दोस्तों, और अब मैं दर्शन करके आ गई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और मतलब आपने देखा ही था कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए ना, जिस तरह मुझे सालासर बालाजी में दर्शन हुए थे। तो मैं तो अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मुझे न जाने क्यों इतनी भीड़ में भी मुझे इतने अच्छे दर्शन मिल जाते हैं। जहाँ वो तुरंत तुरंत सबको निकाल रहे हैं, वहाँ पर सभी को निकाल रहे थे, बट पता नहीं मुझे कैसे वहाँ पर खड़े रहने दिया। और मुझे यहाँ तक कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल करके, वीडियो कॉल करके उनको भी वहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर, बहुत ही अच्छा, बता भी नहीं सकते कितना अच्छा लगा। और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह, और मैंने चप्पलें नहीं पहनी, मैं नंगे पैर ही जा रही हूँ क्योंकि पास में ही है मंदिर से, तो वहाँ जाके दिखाऊंगी आपको। महाकालेश्वर मंदिर से बाहर निकलते ही बस थोड़ा सा आपको चलना है, और उसके बाद ये आपको चौक दिख जाएगा, और इस चौक से आपको राइट हो जाना है। जैसे ही आप राइट होंगे तो मंदिर आपको दिख जाएगा, हर सिद्धि माता का। वैसे तो हरसिद्धि देवी के मंदिर कई जगह हैं, लेकिन उज्जैन में स्थित ये वाला हरसिद्धि देवी का मंदिर सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर जाते ही मंदिर के ठीक सामने दो बड़े बड़े दीप स्तंभ हैं, जिसमें कुल मिला के 1000 दीप जलाए जाते हैं। उज्जैन की रक्षा के लिए यहाँ चारों तरफ देवियों का पहरा है, उनमें से ये एक हरसिद्धि माता का मंदिर है। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ भी माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का हाथ का कोहनी गिरी थी, इस वजह से इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है। और यह मंदिर विक्रमादित्य के ज़माने का मंदिर है। यही विक्रमादित्य ने 12 बार अपने सर की बलि दी थी, और 11 बार सर वापस आ गया था, लेकिन 12वीं बार सर जब वापस नहीं आया तो विक्रमादित्य समझ गया कि अब उनका शासनकाल पूरा हो चुका है। मंत्रमुग्ध हो गई इसे देखकर।
बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। और ये टोटल मिला के 1000 दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखों में नज़ारा जैसे बस जाता है ना, ऐसा लग रहा है। इतना प्यारा मंदिर है, हर सिद्धि माता का मंदिर है जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि महाकालेश्वर मंदिर से हार्डली मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए मैं वहाँ से नंगे पैर ही आ गई हूँ दर्शन करने। तो चलो चलती हूँ। महाकाल मंदिर के पीछे ही मैं आपको लेकर चल रही हूँ विक्रमादित्य के न्याय गृह में, और ये गृह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर विक्रमादित्य बैठकर न्याय करते थे प्रजा के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर न्याय करते थे, और ये वही जगह है। तो यहाँ पे आपको विक्रमादित्य के 9 रत्न भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हो, ये हैं राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न, और इन्हीं से सलाह मशवरा करके राजा न्याय करते थे अपनी प्रजा के साथ। और ये है राजा विक्रमादित्य की भव्य विशाल मूर्ति। यहीं पर बैठकर राजा न्याय करते थे और सभा लगाते थे। और ये मूर्तियां हैं नर्तकियों की। कंप्लीट थाली जिसमें एक सीजनल वेज है, कड़ी है, आलू टमाटर है, दाल है, राइस है, रोटी है। रोटी कितनी है इसमें आपको मिल रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 रोटी और एक पापड़। और ये सब है कितने का? तो ये जो थाली आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की, और 99 में आपको इतना सारा खाना मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सारी चारों सब्जी मैंने खा के देखी है। अगर टेस्ट की बात करूँ ना, तो आप बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते। सो खाना है, लेकिन 90-90 आपसे एक बंदे का इसमें आराम से पेट भर जाएगा, आराम से। और जो चपाती है ना, चपाती बहुत मोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। मैं आपको फाइनल रिव्यू दे देती हूँ खाने का। देखो, नमक उसमें कम था, लेकिन नमक डालने के बाद खाने का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट था। 99 के हिसाब से इतनी सारी सब्जियाँ थी, इतने सारे आइटम थे, तो बहुत ही अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और 50 रुपये में आपको 3 गुलाब जामुन यहाँ पर मिलते हैं, तो तीनों मैं खा जाऊँगी, क्योंकि गुलाब जामुन मेरे फेवरेट हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करे उन्हें पता है। अच्छा है। अच्छा, मैं आपको इनका मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ, काफ़ी रीजनेबल है खाना। थाली देख सकते हो इनकी, मैंने ये वाली थाली ली थी, ये वाली थाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे ये थाली आपको 99।
अभी फ्रेश फ्रेश होके और मैं थोड़ा सा वॉक करने निकली हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और आप सोच रहे होंगे कि 12:30 बजे मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 12:30 बजे भी ना ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत चहल पहल है और अभी भी काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई हैं, यात्री लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब लग ही नहीं रहा है कि रात के 12:30 बजे हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि आप जो मेरे रोड के पीछे देख रहे हो ना, सामने मंदिर है महाकालेश्वर का और मेरे आँखों के सामने जो है ना वहाँ है मस्जिद। तो इधर मस्जिद है और इधर महाकालेश्वर मंदिर है, तो सामने आप देख सकते हो ये है मस्जिद और मेरे पीछे था महाकालेश्वर मंदिर। तो यहाँ पर आप इस रोड पे बहुत सारे होटल देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर होटल नंदी, और इस लाइन में मतलब मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। ये देखिए होटल चिंतामण, एसी नॉन एसी रूम अवेलेबल, और भी दिखाती हूँ आगे जाके। ये है होटल चिंतामण, शिवालय, यात्री गृह, तो दो दो हैं यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर इनका भोजनालय भी है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं आपको कल सुबह कराऊंगी पेड़ दर्शन, यहाँ पर किस तरीके से होते हैं महाकालेश्वर में। तो चलिए उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बाय।